शिविर नारायण नगर के प्रतिष्ठित भोगहा परिवार के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष अजीत सेन तिवारी ने आज भाजपा का दामन थाम लिया और पूरे देश में कमल खिलाने के लिए भाजपा का बटन दबाया। नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मीडिया से बात करने पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में छोटे कार्यकर्ताओं को उचित मान सम्मान नहीं मिलता, इसलिए मैंने कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण और बीजेपी पार्टी की अच्छी रीति नीति से प्रेरित होकर वोट डालने से पहले भाजपा का दामन थाम लिया है। जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। जय जय श्री राम। मैं शुरू से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, कॉलेज के समय से संगठन से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब जो है कांग्रेस की रीतियां नीतियां जो है इतनी गंदी हो चुकी हैं। और मेन सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ जो छोटे कार्यकर्ता जो हैं उनको अनदेखा किया जाता है। इन सब रीतियों नीतियों से मैं दुखी होकर के कांग्रेस छोड़। बीजेपी का रीति नीति आपको कैसा लगता है? कि जो रीति नीति है बीजेपी की, मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है वो आज देखने में सबके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो सबको लगता है कि बीजेपी के आने के बाद जितनी विकास की गाथाएं बह चली हैं वो अन्य पार्टियों में कहीं आज तक के देखने के लिए नहीं। आपने मतदान किया, आज फिर से मोदी जी इस बार सरकार बनाएंगे, क्या लगता है? निश्चित ही इस बार मोदी जी 400 से ऊपर का आंकड़ा पार करें। ये मेरा ही नहीं, पूरे बीजेपी के तो हैं ही और साथ में जितने आम कार्यकर्ता भी हैं उनकी भी यही सोच है कि बीजेपी इस बार 400 के पार ही